गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है फूड। एसएसटी में फर्स्ट लेसन फूड है। फूड मींस भोजन। फूड मींस क्या होता है? भोजन। तो आज हम फूड के बारे में जानेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन जो है वो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण कैसे है। वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के अनेक प्रकार क्या क्या हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, हम कहाँ कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आइए हम जानें फूड यानी भोजन के बारे में। सम फूड सच एज चपाती, राइस, ब्रेड, जैम, सुगर, पोटैटो, घी एंड आयल गिव अस एनर्जी। कुछ जो भोजन है जैसे कि चपाती, राइस, ब्रेड, जैम, सुगर, पोटैटो, घी, आयल, ये सब जो है हम लोग को क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी मीन्स शक्ति। तो एनर्जी हम लोग को किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है बच्चों, आप लोग जानिए। जैसे कि चपाती मीन्स रोटी, राइस मीन्स चावल, ब्रेड मीन्स रोटी, जैम सुगर यानी चीनी, पोटैटो घी और तेल, आयल मीन्स तेल, ये सब से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? एनर्जी यानी शक्ति। सम फूड सच एज पल्सेज, बीन्स, एग, मीट, फिश, चिकन एंड चीज हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। कुछ जो भोजन हैं जैसे कि पल्सेज यानी दालें, बीन्स, एग्स, मीट, अंडे, मटन, फिश यानी मछली, चिकन यानी मुर्गा, चीज यानी पनीर, तो ये सब हम लोग को शरीर जो है बढ़ने में, बड़ा होने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दे मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, और ये हम लोग को मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। ये सब जो हैं पल्सेज, बीन्स, एग, मीट, फिश, चिकन, चीज, ये सब जो हैं जो हम लोग को मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हम लोग को जो बॉडी है वो बढ़ने में सहायक होते हैं। सम फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ देम। कुछ जो भोजन है वे क्या हैं? वे भोजन जो हैं हम लोग को अनेक बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं, जिनको हम लोग रक्षात्मक भोजन भी कहते हैं। जैसे कि ये लोग हम लोग को कोई रोग से लड़ने में हम लोग को रक्षा करते हैं। मील कीजिए कंप्लीट फूड, दूध जो है हम लोग को भोजन में कोई भी विटामिन्स का कमी या प्रोटीन्स का कमी होता है वो मिल्क जो है पूरा करता है। इसीलिए मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, दूध को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं। इट मेक आवर बोन्स एंड टीथ, ये हम लोग को हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। मिल्क हम लोग को, दूध जो है ये हम लोग को हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। तो वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हम लोग को प्रत्येक दिन दूध जो है पीना चाहिए। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंस फॉर हेल्थ, वाटर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, रफेज कीप्स वोवेल मूवमेंट प्रॉपर व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। पानी जो है हम लोग को, पानी पीने से जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति जो है वो मजबूत होता है और हम लोग का टॉयलेट वगैरह हर चीज़ सही होता है। ए बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट डाइट कॉन्टेंस फूड आइटम फ्रॉम ऑल थ्री फूड ग्रुप इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। हम लोग बैलेंस्ड डाइट को
तीन ग्रुप में बांटते हैं। वी शुड ईट ए बैलेंसड डाइट एवरी डे, हम लोग को एवरी डे यानी प्रत्येक दिन ए बैलेंसड डाइट को लेना है। इसको हम लोग बैलेंसड डाइट मतलब होता है संतुलित आहार, संतुलित आहार प्रतिदिन हम लोग को लेना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फूड, हम लोग ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस प्लांट एंड एनिमल, हमारे सभी भोजन के दो स्रोतों में बांटा गया। ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस प्लांट एंड एनिमल, हम लोग हमारे सभी भोजन को दो सोर्सेज में बांटा गया है। पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। मेजोरिटी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट, अधिकांश भोजन जो है हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। वी गेट फूड ग्रेन्स पल्सेज फ्रूट वेजिटेबल एंड आयल फ्रॉम प्लांट, हम लोग प्लांट से क्या क्या पाते हैं, फ्रूट पल्सेज यानी दालें, फ्रूट्स यानी फलों, फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज जो होते हैं वो, वेजिटेबल्स एंड आयल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, आयल्स यानी तेल, ये सब हम लोग क्या चीज से पाते हैं बच्चों, ये सब हम प्लांट से पाते हैं। सम फूड सच एज मीट एग्स फिश मिल्क एंड हनी कम्स फ्रॉम एनिमल्स, कुछ जो भोजन है मीट है, एग है, फिश है, मिल्क है, हनी है, ये सब हम जानवरों से पाते हैं। तो राइट डाउन विच फूड कम्स फ्रॉम प्लांट एंड विच फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पे जो हम एनिमल से पाते हैं और जो हम प्लांट से पाते हैं यहाँ नीचे फिगर में दिया गया है। जैसे कि आप लोग देखिए ग्रेप्स, ग्रेप्स हम लोग क्या से पाते हैं, तो ग्रेप्स प्लांट से पाते हैं। चिकन, चिकन क्या से पाते हैं, चिकन जो है वो एनिमल से पाते हैं। बनाना, बनाना जो है वो क्या से पाते हैं, आप लोग बताइए क्या से पाते हैं, तो बनाना भी हम लोग प्लांट से पाते हैं। एग्स, एग्स यानी अंडा, अंडे को हम लोग क्या चीज से पाते हैं, तो ये एनिमल से पाते हैं, मुर्गा से पाते हैं, तो ये एनिमल हो गया। वेजिटेबल्स, यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ हैं, कैरोट है, ओनियन है, टमाटो है, ये सब हम क्या से पाते हैं, तो ये हम प्लांट से पाते हैं। हनी, हनी मीन्स शहद, शहद हम क्या से पाते हैं, एनिमल से पाते हैं, यानी कि ये मधुमक्खी से पाते हैं, मधुमक्खी से हम लोग शहद प्राप्त करते हैं, इसीलिए हनी जो है वो एनिमल, एनिमल से प्राप्त करते हैं। एप्पल्स, एप्पल्स यानी सेब, एप्पल्स जो है सेब को हम क्या चीज से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं। मिल्क, मिल्क यानी दूध, तो दूध हम क्या से पाते हैं, तो दूध हम लोग एनिमल से पाते हैं। तो बच्चों आप लोग प्लांट, प्लांट से क्या क्या पाते हैं और एनिमल से क्या क्या पाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी भोजन है, खाने की वस्तुएं हैं, जो हम पौधे से पाएंगे उसको प्लांट, और जो एनिमल यानी जानवरों से पाएंगे उसको हम लोग एनिमल्स कहेंगे, एनिमल्स लिखेंगे, और जो हम लोग प्लांट से पाएंगे उसको प्लांट कहेंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, बच्चों अभी आप लोग ने जाना कि हम लोग प्लांट से क्या क्या पाते हैं और एनिमल से क्या क्या पाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके बुक में है 3, यहाँ पे सी नंबर में है। तो आइए जाने प्लांट से हम लोग क्या क्या पाते हैं और एनिमल से क्या क्या पाते हैं। पुट ए क्रॉस ऑन द ऑड वन इज ईच ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है तो यहाँ मैं दो ग्रुप बनाई हूँ, फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग पौधे से क्या क्या पाते हैं और हम लोग
जानवरों से क्या क्या पाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका है उसमें कहता है कि प्रत्येक जो ग्रुप है इसमें एक ठो अलग सा है, इसको हम लोग को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो आइए बच्चों हम लोग जाने कि इसमें अलग क्या है। मैंगो, मैंगो हम क्या से पाते हैं, प्लांट से। पल्सेज यानी दालें हम लोग क्या से पाते हैं, प्लांट से। एप्पल, एप्पल क्या से पाते हैं, एप्पल प्लांट से पाते हैं। मिल्क हम लोग क्या से पाते हैं, जानवर से पाते हैं। गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, ये सब क्या देती है, दूध देती है ना, तो ये लोग से हम क्या पाते हैं, मिल्क पाते हैं। कैबेज यानी बंदा गोभी, ये हम क्या से पाते हैं, इसको हम लोग प्लांट से पाते हैं। कैबेज का हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो मैंगो, पल्सेज, एप्पल, कैबेज, ये हम क्या से पाते हैं, चारों जो है हम लोग प्लांट से पाते हैं। तो बच्चों इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग है मिल्क, मिल्क को हम लोग एनिमल से पाते हैं, तो हम इसमें क्रॉस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि मिल्क जो है हम लोग जानवर से पा रहे हैं और ये चारों जो है हम लोग प्लांट से पा रहे हैं, पौधे से पा रहे हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग जानवरों से क्या क्या पाते हैं। हनी जो है ये मधुमक्खी से पाते हैं, पहले भी मैं बताई कि हनी जो है शहद है, मधुमक्खी से हम लोग प्राप्त करते हैं। मटन जो है मीट है, ये हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि बकरियां वगैरह से। और एग्स जो है अंडे, हम लोग ये मुर्गे से प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स सॉरी, हम लोग अंडे जो है मुर्गी से प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स, फल जो है हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। फिश, मछली हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों हनी, मटन, एग्स, फिश, ये हम क्या से प्राप्त करते हैं, एनिमल से। और फ्रूट जो है, ये जो है फ्रूट हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये अलग है, इसको क्रॉस कर देना है। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग प्लांट से क्या क्या पाते हैं और एनिमल से क्या क्या पाते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, इतना तक तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए आज आप इस, यही आपका होमवर्क रहा और इसको आप लोग विस्तार से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है।